कैथल विधानसभा क्षेत्र से लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के उम्मीदवार श्याम मांडी के अंबाला रोड पर स्थित चुनाव कार्यालय का उद्घाटन रविवार को किया गया। उद्घाटन महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्पा जांगिड़ ने किया। उद्घाटन के बाद पुष्पा जांगिड़ ने पत्रकारों से एलएसपी की नीतियों के बारे में लंबी बात की। आइए जरा सुनते हैं। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो इसके जो सुप्रीमो है वो वैसे भी आप लोगों के बीच से उठे हुए इंसान है, मतलब कोई दिखावा नहीं है। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की उनकी शुरू से आदत है, आज की नहीं है। पार्टी में रही महिलाओं की भागीदारी की बात तो बहुत अच्छी भागीदारी उन्होंने अभी शुरुआत जैसे हुई है उसमें भी हमारी दो महिलाओं की भागीदारी तो अभी करंट आ चुकी है। अमन कंवर राघव जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं हरियाणा की, वो भिवानी से लड़ रही हैं। उषा अटकान जी हैं, वो इसराना हल्के से लड़ रही हैं और बहुत अच्छा मोटा रेस्पॉन्स भी आ रहा है। मैं अपनी ही अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मुझे 2016 शुरू में जिला अध्यक्ष होता हूँ का चार्ज मिला था, उसके बाद फिर मुझे उन्होंने प्रदेश महासचिव बनाया, उसके बाद फिर मुझे प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया और अब प्रमोशन करके मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। तो आप समझ सकते हैं कि महिलाओं का सम्मान इस पार्टी के अंदर है, तभी ऐसा होता है। अगर अच्छी लग रही है हमें, क्योंकि हमारी पार्टी की एक शुरुआत है ये, लेकिन उस शुरुआत के तहत भी मैं ये बोलूँगी कि बहुत अच्छा रेस्पॉन्स हमें मिल रहा है। अभी कल 4 तारीख को हम शाम में करवा के आए हैं नॉमिनेशन और लोहारो में करवाया है, उधर मेवात वाले एरिया पुनहाना में करवाया है, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया है। कई कई किलोमीटर तक के काफिले इन लोगों के चले हैं, बहुत अच्छा लगता था देख के कि जो बंदा एक हकीकत वाली दुनिया से निकल के आ रहा है। पैसे वाली पार्टी तो बहुत देखी है आज तक आपने, लेकिन ये गरीबी से जो उठा हुआ इंसान इन गरीबों का मसीहा बन के जो कुछ करना चाह रहा है, तो मैं समझती हूँ कि जनता को भी चाहिए कि इनको सपोर्ट करें ताकि उनके अधिकार उनको मिल सके। क्योंकि मैं तो ऐसा नहीं मानती कि समान विकास हुआ है। बहुत सारी जगह ऐसी, आप रोड ले लीजिए, छोटी छोटी सी बातें हम करते हैं, रोड ले लीजिए, रोड में गड्ढे नहीं मिलेंगे, गड्ढों में रोड मिलेंगे आप। ठीक है, अब बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सी होती है, कितनी बेटियां बचाई जा रही हैं और कितने उनके अधिकार दिलाए जा रहे हैं। एक गरीब परिवार की बेटी के साथ रेप हो जाता है और उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है क्योंकि दूसरी पार्टी पैसे वाली है, तो ये कहाँ का न्याय होता है इस तरह का। कामरोज में अभी पीछे केस हुआ था, 6 साल की बच्ची जिसके साथ एक घिनौना मतलब कुकृत्य किया गया और उसकी आवाज़ को दबा दिया गया क्योंकि सामने वाली पार्टी किसी नेता वेता के इंप्रेशन में थी और वो गरीब लोग थे। हरियाणा की जो गवर्नमेंट की वैकेंसीज निकले थी, जिन रंगों के एग्जाम हो रहे थे, एक तो इनका सेंटर इतनी दूर दूर दे दिया जाता है, क्यों नहीं, अब कैथल की बच्ची है, कैथल में क्यों नहीं सेंटर दे दिया जाता है, क्या दिक्कत है। उन बच्चों को जाने में भी परेशानी ना हो, अपने पास के एरिया में वो अच्छे से अपना एग्जाम दे सकें और उससे ज़्यादा सफलता मिलेगी उन बच्चों को, क्योंकि अगर नियरेस्ट पॉइंट पे उनको जगह मिलती है इंटरव्यू देने की तो वो अच्छी तैयारी के साथ जाएंगे, एग्जर्शन नहीं होगा उन लोगों का। मान लीजिए कैथल के बंदे को जाके गाँव में दे देते हैं तो कितना टाइम वेस्ट होता है, 3-4 घंटे का सफर है और ऐसा हो रहा है, तो क्या मतलब इसका कौन सा टॉलरेंस बोलेंगे। पार्टी के बहुत तो अच्छे मुद्दे हैं आपको और हमारी सब गरीब जनता के हिसाब से मुद्दे हैं। सबसे पहला है 100% आरक्षण, और सैनी जी ये भी नहीं कहते कि भी किसी जाति विशेष को ये मत दो वो मत दो, उनका ये कहना नहीं है, वो कहते कि सबको दीजिए 100% जाति के आधार पे, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यानी कि सबको 100% उनकी जाति के हिसाब से दे दिया जाए। एक मुद्दा है हमारा कि एक परिवार एक रोजगार नीति के तहत रोजगार दिया जाएगा और प्राथमिकता दी जाएगी जिन परिवारों को आज़ादी के बाद अब तक नौकरी नहीं मिली और उनको नौकरी दिए जाने तक 10,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। जब तक उनको जॉब नहीं मिलती है तब तक वो बेरोजगारी भत्ता लेंगे और जॉब मिलने के बाद बेरोजगारी भत्ता उनका बंद कर दिया जाएगा। हर परिवार में एक रोजगार जरूर दिया जाएगा। मनरेगा की स्कीम है किसानों को मनरेगा के मजदूरों के साथ जोड़ने का, कि 300 रुपये अगर मनरेगा के श्रमिक को गवर्नमेंट देती है तो किसान भी 300 रुपये दे करके उनको 600 रुपये दिहाड़ी मिल जाएगी, किसान को 300 रुपये में एक श्रमिक मिल जाएगा और उन लोगों को पूरा 365 दिन रोजगार मिलेगा। बहुत अच्छी स्कीम है, जिससे किसानों का भी बेनिफिट है उन
मजदूरों का भी फायदा है और किसानों के लिए मतलब कम पैसे में श्रमिक मिल रहा है, श्रमिक को डबल दिहाड़ी मिल रही है और उनको पूरा साल रोजगार मिल रहा है। मनरेगा की स्कीम है। हम तो हमारे दो की नीति है, जनसंख्या हमारी बढ़ती जा रही है तो जब तक जनसंख्या हमारी कम नहीं होगी तब तक रोजगार के साधन भी ऐसे ही रहेंगे। जनसंख्या हर चीज की जड़ है, तो आप लोग समझते हैं। जनसंख्या कम होगी, अपने बच्चे कम होंगे तो लालन पालन अच्छे से हो पाएगा और उनको अच्छी शिक्षा आप लोग दे पाएंगे, रोजगार भी अच्छा मिल पाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। एलएसपी की चुनावी संभावनाओं के बारे में दो शब्द भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।